जय श्री कृष्णा। मैं राकेश वानेश्वर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्थान बल कैसे निकालते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बल जो होता है वो काल बल होता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि टोटल जो बल होता है ग्रह के अंदर वो 1110 सस्टियांस का होता है, जो करीब करीब 18.5 रूपा का आता है। एक रूपा में 60 सस्टियांस बल होते हैं। एक रूपा इज इक्वल टू 60 सस्टियांस। तो टोटल जो बल होता है किसी ग्रह के अंदर 1110 सस्टियांस का होता है, और उसमें स्थान बल की जो वेटेज है वो 480 है, यानी 43%। उस बल का 43% कवर करता है स्थान बल, और उस बल का 35% कवर करता है काल बल। तो अगर ये दो बल आप समझ जाते हैं तो आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी होती है, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका बली है मोटा मोटा देखने पर, और इसके रिजल्ट क्या होंगे। क्योंकि नॉर्मली कई बार हम लोग नहीं देख पाते ठीक से कि ग्रह हमारा बली है या नहीं है। हमें लगता है ग्रह निर्बल है, लेकिन हो सकता है उसको बल कुछ और चीज़ों से मिल रहा हो। जैसे मैंने कल बताया था कि ग्रह आपका हो सकता है आपको लगे निर्बल है, लेकिन अगर वो केंद्र राशि में बैठा हुआ है, 1, 4 या 7, 10 राशि में बैठा हुआ है, तो उसको 60 सस्टियांस का बल मिल जाता है। और तो इस तरीके से भी बल मिलता है। अगर वो और राशि में बैठा है तो भी उसको बल मिलता है, इवन राशि में बैठा है तो भी उसको बल मिलता है। तो बहुत से तरीके हैं बल ध्यान रखने के। तो इसलिए जब भी कभी प्रेडिक्शन करने से पहले एक बार मोटा मोटा देख लें कि ग्रह कैसे बलवान कैसे हो रहा है। बलि के तो जो सिंपल जो फंडामेंटल्स होते हैं वो तो वही होते हैं फंडे कि भाई आपका शुभ कत्रि योग में हो, उच्च की राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, लाभ भाव में हो या ज़्यादा धन भाव में हो, वो भी चल जाता है। 6, 8, 12 भाव में ना हो, ये सब देखते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं ग्रह का बलि होने के लिए, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो। लेकिन इसके अलावा ये बल बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखने जरूरी होते हैं। कि कई बार हमको लगता है जैसे इन चीज़ों से कोई बल हमारा कम आ रहा है किसी ग्रह का, तो हमें लगता है ये ग्रह कमज़ोर है, बट वो ज़रूरी नहीं है कमज़ोर हो। तो उसके लिए हमें उसका काल बल और स्थान बल की जगह डिटेल में अगर एक बार हम देख लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा ग्रह वो कैसा है। तो पिछली बार मैंने आपको स्थान बल के बारे में बताया था, अब मैं आपको काल बल के बारे में बताता हूँ। काल बल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। पहला बल होता है नतोन्नत बल बोलते हैं इसको। नतोन्नत बल का मतलब ये होता है कि दिन के समय और रात्रि के 12 बजे दो टाइम्स इसके अंदर होते हैं। कि दिन के 12 बजे अगर जन्म हुआ तो सूर्य, बृहस्पति और शुक्र इनको 60 सस्टियांस का बल मिलता है दिन के 12 बजे। रात के 12 बजे इनका बल ज़ीरो हो जाता है। रात के 12 बजे चंद्रमा, मंगल और शनि इनको 60 सस्टियांस का बल मिलता है। अगर किसी के जातक का जन्म रात के 12 बजे हो तो चंद्रमा, मंगल और शनि को 60 सस्टियांस का बल मिल जाता है, यानी एक रूपा बल एडिशनल मिल जाता है। बुध ऐसा है कि जिसको हमेशा बल मिलता है। बुध ग्रह एक ऐसा शुभ ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है चाहे इंसान रात में पैदा हो, चाहे इंसान सुबह पैदा हो, दिन में पैदा हो, शाम को पैदा हो, उसको तो बल 60 सस्टियांस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि सूर्य, जुपिटर, वीनस 60 सस्टियांस का बल मिलेगा दिन के 12 बजे होंगे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल वो कम होता चला जाएगा, और रात के 12 बजे आके वो जीरो हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप लोग उसको निकाल सकते हैं। दूसरा बल आता है पक्ष बल। पक्ष बल क्या होता है? पक्ष बल आपने देखा होगा कि दो तरह के पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। जैसे सूर्य यहाँ बैठा हो और चंद्रमा यहाँ बैठा हो, सूर्य एक नंबर राशि में हो, चंद्रमा इस नंबर राशि में हो, तो ये आपका पूर्णिमा कहलाती है। तो अगर स्थिति आपकी कुंडली में पूर्णिमा वाली हो, अगर सूर्य और चंद्र आपके 180 डिग्री पर बैठे हों आपस में, तो जितने भी शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मीन्स बुध, चंद्रमा, बृहस्पति एंड शुक्र, ये चार ग्रह शुभ ग्रह हमारे कहे जाते हैं, इन चारों ग्रहों को 60 सस्टियांस का बल मिलता है। शुभ ग्रहों को 60 सस्टियांस का बल मिल जाता है। और अगर सूर्य, चंद्रमा दोनों आपस में मिल गए, साथ बैठ गए, तो इन चारों ग्रहों का बल ज़ीरो हो जाता है, जीरो बल मिलता है इनको। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाएंगे एक राशि में, अमावस्या जिसे बोलते हैं, तो जो क्रूर ग्रह हैं जैसे आपके मंगल हैं, शनि हैं, ये क्रूर ग्रह जो होते हैं आपके जितने भी, सूर्य है, इनको 60 सस्टियांस का बल मिल जाता है। और जब वो 180 डिग्री पे आ जाते हैं तो वो उनको क्रूर ग्रह को जीरो बल मिल जाता है। तो इस तरह से निकालना चाहिए, यानी सिंपल फंडा ये हुआ कि अगर सूर्य, चंद्रमा दोनों 180 डिग्री पर हों
तो उस केस में जो शुभ ग्रह होते हैं उनको 60 सेशंस का बल मिल जाएगा। अगर वो 180 डिग्री से कुछ कम में है तो वो बल थोड़ा घटेगा, प्रोपोर्शनलिटी निकाल लीजिए। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ बैठे हों, अमावस्या की रात्रि हो, तो क्रूर ग्रहों को 60 सेशंस का बल मिलता है, और अगर अलग अलग हों तो उनका बल भी आप निकाल सकते हैं कि कितना दूर बैठे हैं, तो प्रोपोर्शनल बेसिस पर निकाला जा सकता है। फिर एक आता है त्रिभाग बल। त्रिभाग बल क्या बल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बल है। त्रिभाग बल में क्या होता है कि हमारे दो चीज़ हम लेते हैं, एक दिनमान एक रात्रिमान। 24 घंटे में आधा दिनमान हुआ आधा रात्रिमान हुआ। तो दिनमान क्या होता है हमारा? सूर्योदय से जो सूर्य हमारा जब सुबह उदय हुआ है उससे लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है दैट इज दिनमान, और सूर्यास्त से लेकर नेक्स्ट सूर्योदय का समय जो होगा वो रात्रिमान कहलाएगा। तो सपोज कीजिए कि सूर्योदय 6 बजे हुआ है और शाम को 6 बजे सूर्य डूबा है, अस्त हुआ है, तो हमारा दिनमान हो गया 12 घंटे का। उस 12 घंटे के तीन भाग कर लीजिए, चार चार घंटे के। तो उन चार चार घंटे में यानी जो 6 से 10 बजे तक जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें अगर सूर्य जुपिटर और वीनस उसके हैं, सॉरी त्रिभाग बल में बुध को मिलेगा पहले भाग में, यानी जो फर्स्ट वाले उसमें होता है 6 से 10 के बीच में कोई बच्चा पैदा होता है तो बुध को 60 सेशंस बल मिल जाएगा। सेकंड भाग में, सेकंड पोर्शन जो है जो 10 से 2 के बीच में पैदा होता है उसको सूर्य को बल मिल जाएगा, और थर्ड पार्ट में जो 2 से 6 तक का पीरियड आ गया उसमें शनि को बल मिल जाएगा 60 सेशंस का। तो ये त्रिभाग बल होता है। इसी प्रकार से रात्रिमान, अगर दिनमान 12 घंटे है तो रात्रिमान भी 12 घंटे हो गया, 12 घंटे के तीन भाग कर लीजिए। अगर रात्रिमान हमने माना है कि रात्रि सूर्यास्त 6 बजे से हुआ है तो रात के 6 से 10 के बीच में अगर होगा तो चंद्रमा को एक बल सस्यांश बल मिल जाएगा 60 सस्यांश। दूसरे पार्ट में जन्म होगा तो शुक्र को 60 सस्यांश मिलेगा। तीसरे पार्ट में जन्म होगा तो मंगल को 60 सस्यांश का बल मिलेगा। तो ये बल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जब जिस बच्चे की हम पत्रिका देख रहे हैं जिस जातक की, वो मतलब दिन के किस भाग में पैदा हुआ है, फर्स्ट भाग में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, या रात्रिमान के किस पार्ट में पैदा हुआ है, और उनमें कौन कौन से ग्रह को कितना बल मिल जाता है, कौन से ग्रह बली होते हैं, तो ये त्रिभाग बल भी चेक करना जरूरी है। उसके बाद आता है वर्षाधिपति बल। वर्षाधिपति क्या होता है? जैसे कोई साल हम लोगों का होता है, हम कहते हैं चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से साल स्टार्ट कहलाता है, तो चैत्र पक्ष जो हमारा मास होता है उसकी प्रतिपदा से, तो उसमें आप जो भी है वो देख सकते हैं कि आपका जो उस साल उस समय जो दिन था, जो दिन था यानी अगर उस दिन सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, तो उस दिन का जो ग्रह है जैसे सोमवार के लिए चंद्र हो गया वो वर्षाधिपति कहलाता है, उस वर्ष का राजा कहलाता है वो। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन जो भी दिन था वो दिन का जो ग्रह उस दिन से जो ग्रह इंडिकेट होता है वो ग्रह वर्षा का उस वर्षाधिपति कहलाता है। तो उस ग्रह को 15 सस्यांश का बल मिल जाता है, जो भी वर्षाधिपति ग्रह आपका होगा उस साल का उसको मिल जाएगा। मासादि बल में भी सेम सिस्टम यही है कि जिस मास में आपका जन्म हुआ उस मास के प्रथम दिन, प्रथम जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उस दिन कौन सा आपका दिन था, अगर शनिवार था तो शनि ग्रह को 30 सस्यांश का बल मिल जाएगा, अगर शुक्रवार था तो शुक्र ग्रह को 30 सस्यांश का बल मिल जाएगा। वार बल भी सेम वही चीज आ जाता है कि सपोज कीजिए कि अगर आपका जन्म बुधवार के दिन है तो बुधवार के दिन अगर आपका जन्म है तो आपका जो ग्रह को इंडिकेट करता है बुधवार, बुध ग्रह को, उसको 45 सस्यांश का बल मिल जाएगा। अगर बृहस्पतिवार का है तो आप बृहस्पति को 45 सस्यांश का बल दे देंगे। आपका जन्म शुक्रवार का है तो शुक्र को 45 सस्यांश का बल मिल जाएगा। इसी प्रकार से आता है होरा बल। होरा जैसे आपको मालूम ही है कि टोटल मिला के हमारी 24 होराज होती हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में एक घंटे की एक होरा होती है और सुबह सूर्योदय से स्टार्ट होती है। तो पहली होरा तो होती है उस दिन की जो उस दिन दिन पड़ रहा हो, जैसे आज सोमवार है तो सोमवार को जो पहली होरा होगी तो वो पहली होरा होगी चंद्र की सुबह का एक घंटा। उसके बाद जो सेकंड होरा आएगी वो उससे छठे ग्रह की आएगी, ये आपको लगाना पड़ता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपका जन्म हुआ तो किस ग्रह की होरा थी।
अगर चंद्रमा की हो रहा है तो उसको 60 सेल्सियस में मिल जाएगा, अगर मंगल की हो रहा में आप हुए तो मंगल को मिल जाएगा, बुध की हो रहा में आप हुए तो बुध को मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जिस समय आप इंसान पैदा हुआ उस समय कौन सी हो रहा थी, ये कुंडली में निकलता है तो हो रहा चेक कर लीजिए, तो वहाँ पर बल दे दीजिए कि ये बल मिल जाएगा। फिर आता है अयन बल, दो तरह के अयन लेते हैं हम लोग, उत्तरायण दक्षिणायन। जब मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, जब सूर्य संक्रांति मकर राशि में संक्रांति होती है उसकी, तो उसे कहते हैं कि उत्तरायण में सूर्य प्रवेश कर गया, फिर कर्क के बाद से फिर दोबारा से वो दक्षिणायन में जाता है। तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो जितने भी शुभ ग्रह हैं उनको 60 सेल्सियस का बल मिलता है। शुभ ग्रह मीन्स वही जो मैंने बताया आपको, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, और जितने भी दक्षिणायन होता है तो उसमें जो क्रूर ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, सूर्य, इनको 60 सेल्सियस का बल मिल जाता है। तो ये ध्यान में देने वाली बातें हैं। अगर ये बात आप सब चीज़ ध्यान में दे लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा और बल निकालने में बहुत आसानी होगी। मतलब मोटा मोटा आप देखें तो होरा बल तो आप देख सकते हैं कि किस ग्रह की होरा में आप पैदा हुए हैं, 60 सेल्सियस का बल दे दीजिए उसको तो वो वैसे ही बल ही हो गया, यहाँ तो बहुत हो गया। पक्ष बल भी देख सकते हैं, त्रिभाग बल देख सकते हैं बड़े आराम से आप, कि दिन किस भाग में जन्म हुए हैं, उस भाग में कोई ग्रह आ रहा है तो उसका बल दे दीजिए कितना बल हो गया। तो इस तरीके से जब आप बल चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन सा ग्रह कितना बलशाली है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन का फिर आपका वो भी चेंज होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, और बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।